बुधवार को गणेशपेट परिसर स्थित कॉटन मार्केट सब्जी मंडी में काम करने वाली एक महिला को गाय द्वारा टक्कर मारने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिससे गुस्साए महिलाओं ने गणेशपेट पुलिस का घेराव किया। मृतक नेमाबाई अशोक वंजारी पारिटी निवासी है, जो शाम सुबह 5 बजे काम करने के लिए कॉटन मार्केट में आई हुई थी। इसी दौरान आवारा मवेशी ने सींग से उठाकर नेमाबाई को जमीन पर पटक दिया, जिससे उनके सर और शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोट आई। उन्हें मेयो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल गणेशपेट पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। हम भैया कॉटन मार्केट से है, हमाली करते हैं, हम आरा ढुलाने वाले भाई। हमारे साथ ये घटना हुआ है कि गैया ने एक भाई को कुचल के जान से चले गई वो भाई। हमारा कहना सिर्फ यही है कि वहाँ पे गैया ढोर नहीं होना, और जैसा चिल्लर गाड़ी वाले 1 पाव आधा किलो वाले सीधा गाड़ी वाले के अंदर चले जाते, इसके कारण से हमको इतना परेशानी होते है, हमारे सर में 30 किलो 40 किलो का बोझा रहता है। घटना 16 जनवरी की सुबह की घटना है। एक महिला नाम है उनका नेमाबाई अशोक वंजारे, लगभग 48 इयर्स की महिला है। वो रहने वाली पार्टी की है। वो हर दिन इधर माल का चढ़ उतार करने के लिए इधर आती थी, और 16 को उनको जो मोकट जानवर है उन्होंने धड़क दिया, उसमें उनकी देहांत हुआ था। उसके बारे में हमारे इधर आकस्मिक मृत्यु की नोंद है और इंक्वायरी हम कर रहे हैं। उसमें ऐसा पता चला है कि वह मोकट जानवर उनको धक्का देने के बाद वो गिर गया और उसमें से उनका देहांत हो गया। और आज वो कुछ महिला उनकी सहयोगी महिला इधर आई थी, उनका कहना था कि ये नहीं होना चाहिए, इसको जिम्मेदार महानगर पालिका है, और महानगर पालिका ने ये जो गरीब जनता है उनके लिए कोई तो मुआवजा देने की जरूरत है, और इसके पीछे का जो कुछ पूर्ण इंक्वायरी वो करनी चाहिए, और इसके लिए वो इधर आई थी। इसके बारे में मैं खुद जो संबंधित ENMC के अधिकारी उनसे उनके साथ बोल रहा हूँ, और इसके बारे में और जो हमारे पास गोरक्षण है उनको भी एक पत्र लिखित में लिखकर कम से कम यहाँ से जो भी मुकट जानवर इधर उधर जा रहे हैं उनको भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ।